हेलो एवरी वन वेलकम टू आर चैनल विंग्स ए कुरान सो गाइज वी आर प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चन हमारा टारगेट ही है वी एल डब्ल्यू के जो टेंथ डिसम्बर को एग्ज़ाम होने वाला है वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि आपके हर कॉम्पोनेंट में अच्छे नंबर आए सो हम उसी को टारगेट हिसाब से कर रहे हैं हमारी ये आज की दूसरी इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है आप प्ले लिस्ट पर जाके आप जब हमारे चैनल पर जाएंगे वहाँ पर प्ले लिस्ट पर क्लिक करके यहाँ पे आपको टॉप पे वी एल डब्ल्यू रिविजन लेक्चर्स मिलेगा यहाँ पे वी आर डूइंग इंग्लिश के भी ट्वेंटी फोर क्वेश्चन एवरी डे आर टारगेट इज़ कि आप ट्वेंटी अबव अपना मार्क्स लेके आए जितना बेटर है ज़्यादा है उतना बेटर है मिनिमम आपका बीस रहना चाहिए सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे मैम की जी एस लेक्चर सीरीज़ भी आपकी चल रही है अगेन शी इज़ टारगेटिंग बीस से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सो दैट आपके करेक्ट हो जाए प्लस आप बार बार हमें कॉमेंट्स uh, में भी लिख रहे हैं रिगार्डिंग अपने स्कोर्स के रिलेटेड ऑल्सो जस्ट अ क्विक अपडेट यहाँ पे उससे पहले हमारी एक सीरीज चल रही थी जे के एस एस बी पी वाई क्यूज के रिलेटेड यहाँ पे यू विल नोटिस कैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को डील किया हुआ है जैसे कल्चर रिलेटेड अलग है आपका मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज डिफरेंट जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ठीक है आप में से कुछ बोल रहे थे अभी कॉमेंट सेक्शन पे जे के रिलेटेड भी लाइए अगर आप देखेंगे जे के रियोगनाइजेशन एक्ट का अलग है जे के इकॉनमी का अलग है सॉइल्स का अलग है देन जी आई टैक्स का भी आपका अलग है दीज आर द क्विक क्वेश्चन जो बहुत हेल्पफुल रहते हैं आर्ट एंड कल्चर ये अच्छा है आपका फेमस पर्सनैलिटीज़ कुछ जे एंड के से हैं ये देखिए आर्ट एंड कल्चर ऑफ़ जे एंड के है ये देन इंग्लिश ओरिएटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कंप्यूटर सो ऐसे हमने बहुत सारा कवर किया है सेंसिस स्कीम्स एवरी थिंग सो आप इसको भी जब गो थ्रू करेंगे यू विल गेन अ लॉट नाउ कमिंग टू आज की हमारी वीडियो लेट्स ऑल्सो गाइज एट द एंड ऑन द लेक्चर मुझे बताइए आपने ट्वेंटी फोर में से कितने मार्क्स स्कोर किए हैं बिकॉज हमें भी अच्छा रहेगा कि आपकी रिविजन कहाँ तक पहुंची है वॉट इज द सिनम ऑफ द वर्ड फेस्टी ना सिनानम क्या रहता है एस फॉर सिनोनम एस फॉर सेम दैट मीन्स डिफरेंट वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग सॉफ्ट टफ कॉम्प्लीमेंट वीक फेस्टी कभी आप नोट करिए जैसे कोई अच्छा स्पीकर होता है या कोई अच्छा काम करता है उसको फेस्टी स्पीकर बोलते हैं रफ एंड टफ टाइप उसको कुछ बोलते हैं दिस इज द करेक्ट आंसर टफ इंसर्ट द रिक्वायर्ड वर्ड्स यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन इंसर्ट करना है इन द सेंटेंस बिलो हैव यू रेड द आर्टिकल डैश टाइम मैगजीन डैश माइक्रोसॉफ्ट अब ये आपके ऑप्शंस हैं अब आपको बताना है कि कहाँ पे इन या ऑन आएगा या फ्रॉम हिंट इन्हीं दो में से है अब वो आपको पहले लगाना है या कहाँ लगाना है हैव यू रेड द आर्टिकल इन टाइम मैगजीन ऑन माइक्रोसॉफ्ट मैगजीन के अंदर हम पढ़ते हैं किसी टॉपिक के ऊपर अब आपको समझ आया हिंदी में हमें कैसे किया so the option is B in and on. What is the antonym of the word audacious? Antonym here, of course, is your opposite. ठीक है? Audacious, willingness, bold, strong, polite. ठीक है? The correct answer would be polite. Audacious क्या होता है? इक हम बोलते हैं कि ऑडासिटी से तुमने मुझसे सवाल पूछा। जो हक भी नहीं इनफैक्ट उसको कभी बोलते हैं कि बहुत किसी एक्चुअली बहुत पॉजिटिव कॉन्वर्टेशन से भी हम बात कर सकते हैं कभी नेगेटिव कॉन्वर्टेशन से भी बात कर सकते हैं ऑफ बीइंग ऑडाशियस उसमें इतने गट्स थे जैसे हम कभी लेमेंस uh, लैंग्वेज में बोल देते हैं कि उसमें इतने गट्स थे बोल्ड हो गया बोल्ड हम यूजली बोलते हैं ये बंदा बहुत बोल्ड है जो हमेशा मुँह पर कुछ बोल देता है या सवाल कर देता है सो दिस इज़ दी आंसर वाट इज़ द करेक्ट मीनिंग

क्लाउड्स से आप याद रखिए हम जैसे हिंदी में बोलते हैं इसकी आ, किस्मत पे बादल मंडरा रहे हैं आई एम श्योर आप में से किसी ना किसी ने ये ऐसे स्टेटमेंट सुनी होगी तो उसी से याद रखिए नो हम जब बादल कहते हैं ब्लैक क्लाउड्स हम कभी क्लियर स्काई या कि रिलेटेड कुछ बुरी चीज़ को कनेक्ट नहीं करते हैं सो ब्लैक क्लाउड्स ट्रबल ऐसे याद रखिए चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू द इनडायरेक्ट स्पीच

the clerk informed how many packages we have the clerk told us how many packages we have the correct answer is the clerk inquired how many packages we had a ठीक है ये आ जाता है आपका करेक्ट क्योंकि क्लर्क सर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इनक्वायर्ड ठीक है मेंशन होता है बताना इनफॉर्म भी कुछ और होता है टोल्ड होता है बताना सो so हर एक अलग अलग है कुछ इन्फॉर्म inform, मतलब इंफॉमेशन के रिलेटेड हम बात करते हैं दैट इज़ हाउ डीज वर्ड्स आर यूज रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स चलिए जम्बल वर्ड्स को रीअरेंज करिए एक सेंटेंस फ्रेम करने के लिए शेप्स डिफरेंट और रिस्ट वॉच साइज एंड इज अवेलेबल इट ये आपके ऑप्शंस है अ रिस्ट वॉच इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस अ रिस्ट वॉच एंड शेप साइजेस अवेलेबल एट डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस अवेलेबल इट अ रिस्ट वॉच अगेन इन चीज़ों पे हमें अपने फैक्ट्स चेंज नहीं करने होते हैं सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ए अ रिस्ट वॉच ठीक है इज अवेलेबल टू इन डिफरेंट

अर्पिता सिस्टर इज एन इंजीनियर इन अ रेप्यूटेड कंपनी सिंपल सो द आंसर इज सी एंड कोर्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग आ रहा है हमारा वाल्स वाला लॉजिक ठीक है देन जो आपका अ है ये आता है अगेन एक कंपनी पे बात कर रहे हैं अगर किसी कंपनी का नाम दिया होता गाइस जैसे द रिलायंस द विप्रो तब द आ जाता आपका ऐसे चेंज द बिलो मेंशन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस अगेन फेवरेट क्वेश्चन है ये इन सब का एक्टिव पैसिव इन डायरेक्ट डायरेक्ट इस पर फोकस करिए सम स्टूडेंट स्टडी ग्रामर ऑन द इंटरनेट ठीक है on internet some students study grammar grammar is teach by the students on internet grammar is studied on the internet by some students none of the above simple hai isko zyada complicate nahi kariye facts ko change nahi kariye grammar is studied on the internet by some students khatam baat again aapka subject aur object kahan pe hai इस मोमेंट पे आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए because अब आपके exam है so that is why मैंने खुद मेंशन नहीं किया है हाँ मैं बीच बीच में कभी वीडियोस में मेंशन में करूँगी इन आ, आगे वाली वीडियोस में कभी बट नॉट इन एवरी वीडियो बिकॉज यहाँ पे वी आर नॉट टीचिंग यहाँ पे अब हम रिवाइज कर रहे हैं और आपके अब ट्वेंटी को हम टारगेट कर रहे हैं ट्वेंटी अबव सो यू शुड नो अब इस टाइम तक कि कौन क्या है फिल द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सुटेबल प्रोनाउन ओके द चिल्ड्रेन लॉक डैश अप इन द कबोर्ड वाइल प्लेइंग हाइड एंड सीक them देर themselves and एंड ठीक है ये बहुत आपका कॉम्प्लिकेट नहीं होता है बट बड़ा कभी कभी इसमें काम आ जाता है बिकॉज काफ़ी बच्चों को अभी भी इसमें प्रॉब्लम रहती है कि देम एंड देम सेल्स में क्या डिफरेंस आती है चलो मैंने आपको पहले ही बता दिया इन दोनों में है द चिल्ड्रन लॉकड देम सेल्स ठीक है इसको मैं हटा देती हूँ देम सेल्स इज़ द आंसर आपका अब इसी के लिए ठीक है हम डेंस कब यूज़ करते हैं जब हम इनडेफिनेट जेंडर न्यूट्रल नाउन या प्रोनाउन को यूज़ करते हैं दैट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ठीक है चूज द करेक्ट स्पेलिंग अगेन आपके लियोजिस्ट पहले आपको प्रोनासीशन सी स्पेलिंग हमें तभी आएगी जब हमें पता है प्रोनासीेशन क्या रहेगी ठीक है जब हमें पता है प्रोनाशिएशन क्या है उसी हिसाब से हम वर्ड्स को बोलते हैं अगर मैं इसको बाहर बोलूँ आर्किलॉजिस्ट आर्किलॉजिस्ट तो कोर्स मेरी स्पेलिंग भी वैसे ही आएगी कभी नोट करना आर्किलियोजिस्ट अब ये है ये है क्या है द करेक्ट इज सी सी की ओ आर की ओ आता है पहले की ओ फिर उसके बाद भी लव पे एल के बाद भी ओ आता है नॉट मैनी पीपल नो अबाउट इट इसीलिए मैं ज़्यादा डिफिकल्ट स्पेलिंग भी नहीं ला रही हूँ पर मैं वो स्पेलिंग्स ला रही हूँ जिसमें जो हम ऑलमोस्ट लाइक काइंड ऑफ डेली यूज में यूज करें आर्किलॉजिस्ट ऑफकोर्स इज अ फेमस वर्ड ओके अब ये पैसेज है पढ़िए इसको बिटवीन इसके बीच में यूरोप वेंट थ्रू नेपोलियन एक वॉर्स नेपोलियन एक फेमस रूलर था ये उसके बारे में हम बात कर रहे हैं द स्पीरिट्स ऑफ फ्रांस एट वॉर विद किस ऑफ रूसिया रशिया ऑस्ट्रिया स्पेन एंड ब्रिटेन ओके एट दैट टाइम द फ्रेंच आर्मी वॉज अ मोस्ट पावरफुल इन यूरोप ठीक है इस साल में फ्रांस ने कॉन्कर किया मच ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड हैज क्रिएटेड द लार्जेस्ट यूरोपियन एम्पायर सिंस द रोमन्स अभी कंपेरिजन कर रहा है कि जो रोमन्स थे दो हजार साल पहले नेपोलियन बोनापर्ट बहुत बोनापट बोनापार्ट है अब इनफैक्ट आज के टाइम पे नेपोलियन पे एक मूवी भी आई हुई है यार आई गेस टी वी सीरीज आई है सो देखिए वॉज इज एम्पर और एक मिलिट्री लीडर था हु ओ मेजर विक्ट्रीज वेरी फेमस रूलर बट कोर्स सबका एंड आता है एक डिजास्टर्स कैंपेन रहा उसका रशिया में रिट्रीट रहा स्पेनिश पेनसुला में और ब्रिटिश ऑफकोर्स बीट ब्रिटिश सुप्रीमेसी जहां पे फिर कंबाइंड यूरोपियन फोर्सेज थे दे हैड हाँ टू तो डिफीट उन्होंने डिफीट किया नेपोलियन आर्मी को एट वाटरलू हाउ मेनी फॉर हाउ मेनी ईयर्स द नेपोलियनिक वॉर्स लास्ट नाउ अब बेसिक मैथ्स है ज्यादा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अठारह साल सत्रह फिफ्टीन बारह द करेक्ट इज इन दोनों का डिफरेंस लाइए क्या है ठीक है सो so, ये आपका आंसर आ जाता है कितना अठारह तो है ये ऑलमोस्ट By 1808, France had conquered most of the Europe and were the largest European empire since. Again, ye direct line se question hai ab kya kya option hai Russian, Mughals, Romans या none of the above? Let's go back। यहाँ पे आर, 1808, again guys, मैंने पहले passage पढ़ा है, आप भी पहले passage पढ़ सकते हैं। But कभी time की जब कमी रहती है, I keep on repeating। Direct questions पे आइए, question को ध्यान से पढ़िए, question को कभी skip नहीं करिए। When I say skip आई I मीन mean, एक एक वर्ड उसका ठीक से पढ़िए वॉट लिखा है वाई लिखा है फ्रॉम लिखा है ये स्मॉल स्मॉल वर्ड्स डिफरेंस कर लेते हैं अब क्या बोल रहा है कॉन्कर किया था 18 जर, उसका रिकॉर्ड बता रहे हैं कि बाय 1808 तक बहुत ज़्यादा इसका रिकॉर्ड था तो इस उसी हिसाब से इनका हो गया था नेपोलियन का और ग्रेटेस्ट थे कब से एज़ कंपेयर टू रोमन्स तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे सी रोमन्स अब ये कब इवेंचुअली uh, कब डिफीट हुआ था कौन सी बैटल में कैन वाटरलू एल्बे या वर्डम यहाँ पे आइए ये देखिए वाटरलू ठीक है कंबाइंड फोर्सेस टू डिफीट नेपोलियंस आर्मी सो दिस वाज कंपैरेटिवली इजी। बस ध्यान से आपको क्वेश्चंस पढ़ना है एंड वर्ड टू वर्ड आंसर ढूंढने की कोशिश करिए तो मिल जाएगा ओके रीड द सेंटेंस एंड फिल अप द सुटेबल टेंस टेंस इज रिलेटेड डैश यू सीन द लेटेस्ट एक्शन मूवी हैव हैज़ वुड या विल अब बताइए हैव एंड हैज़ में मैंने आपको पहले ही बता दिया डिफरेंट इन्हीं दो में से आंसर आएगा अब क्या आंसर आएगा देखो हैज़ हम कब यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ठीक है एंड प्रनाउंस के साथ भी ही शी इट हैव uh, आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रनाउंस विद आई यू वी तो अब आपको आंसर पता चल गया हैव यू सीन द लेटेस्ट एक्शन मूवी अप पेयरिंग है अगेन की मेरा फेवरेट पार्ट होता है इस इंग्लिश सीरीज में थोड़ा कंफ्यूजन के लिए चूज पेयर अब इन सेंटेंसेज के दे आर टू डिफरेंट सेंटेंसेज इनका कोई इंटरलिंक नहीं है बट आप मेरे को बता सकते हैं कि कौन सा आंसर आएगा शी वो सिटिंग डैश ये एक पार्ट है दैट मीन्स इसमें से कोई एक माइकल जैक्सन इज एन डैश फॉर मेनी डांसर्स ये दूसरा पार्ट आपको ये इसमें आएगा शिवो सिटी आई डी ओ एल होता है जिसको हम जैसे किसी को डेमी गॉड मानते हैं वी आइडलाइज समवन हम लोग बोलते हैं वी आइडलाइज समवन उसको मानना उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना तो यहाँ पे माइकल जैक्सन इज एन आइडल ये आ गया आपका शी वॉज सिटिंग आई डी एल ई होता है जैसे अगर बिल्कुल हमारी लैंग्वेज में बात की जाए वेला बैठना ठीक है वेला बैठना आइडियल -E ठीक है आईडियल इज समथिंग एल्स आई डी आई एल इज नो वर्ड ओके चूज द ऑप्शन इन फ्रेम टू फ्रेम अट शुड बी टू टू फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस आमिर वेंट टू स्कूल डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ फीवर अब इसमें आ, आ, क्या मिसिंग है या क्या करेक्ट है वो आपको बताना है हमें ठीक है इन ऑप्शंस में से क्या है द करेक्ट हेयर इज दैट मीन्स करेक्ट मतलब कि इसमें एक डिफेक्ट है द करेक्ट शुड बी आमिर वेंट टू स्कूल डिस्पाइट हैविंग अ फीवर ऑफ छोड़ो सो द करेक्ट सो द आंसर इज थ्री ठीक है ये थ्री वाला में जो पार्ट है इसकी नहीं आना चाहिए आपका ऑफ में डिस्पाइट हैविंग फीवर आता है ऑफ नहीं अब यहाँ पे मॉडल बताना है आपको किसी फॉलोइंग सेंटेंस का वी डैश टू ईट लॉर्ड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर अल्दी लाइफ स्टाइल ओके मस्ट शुड ऑट नीड अगेन ये वर्ड है आपका आंसर और ये बहुत रेयर हम लोग यूज करते हैं अपनी डेली यूज लैंग्वेज में वाई पता नहीं बट लेट्स सी ऑट कहाँ पे यूज होता है ऑट हम तब यूज करते हैं जब हम कुछ बोलते हैं लाइकली uh, या प्रॉबल ठीक है अब यहाँ पे जो सेंटेंस है वी ऑट टू ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर अ हेल्दी लाइफ स्टाइल ये एक प्रॉबिलिटी की बात कर रहा है कि अगर हमने ये फॉलो किया तब भी हमारा हेल्दी लाइफ सलो हुआ यहां पे कोई हमें डंडे नहीं मार रहा है ना हमें कोई फोर्स कर रहा है ठीक है सो दैट इज हाउ इट बिकम्स ऑट कंप्लीट द सेंटेंस बाय देंटेंस द करेक्ट होमोफोन्स ओके वी डैश द एप्पल विद अ नाइफ अब नाइफ से अगर मैं एप्पल कर रही हूं तो क्या कर रही हूं ईट च्यू पील या पील ओके, ईट और चू तो आप कर नहीं सकते ये आपका बेसिक है बिकॉज uh, यहाँ पे नाइफ uh, से तो हम ईट नहीं कर सकते दिस इज सिंपल अब इन दो में आपका आंसर है अगेन ये ऐसी चीज़ है जैसे मैंने आपको कल प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कुछ हमारे वर्ड्स रहते हैं जैसे डिजर्ट के रिलेटेड ओके सो अब पील इज दी करेक्ट आंसर हेयर एप्पल एंड ऑरेंज को हम जब पील करते हैं उनका छिलका उठाते दिस इज ये वाला पील डबल ई वाला पील ठीक है और पील क्या होता है जो ये वाला है ये होता है रिंगिंग ऑफ बेल्स रिंगिंग ऑफ बेल्स या कोई लाउड नॉइज हो गया ठीक है दिस इज अ दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड चूज अ करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस द फ्लड इफेक्टेड पीपल डैश their detached हाउस नियर द सी ईयर्स अगो अब फ्लड इफेक्टेड कोई एरिया है वहाँ पे उनने अपना घर बनाया है डिटैच हाउस डिटैच था तोड़ा हुआ जो सी के पास था मेड बिल्ट बिल्ड या द करेक्ट ईयर इज़ ये पास्ट की बात कर रहा है ठीक है द करेक्ट इज बिल्ट ये आपका पास्ट में आता है मैंडेड नहीं आता हम हाउस को मेंड नहीं करते मेड नहीं है अभी नहीं बनाया ये एक पूरा जो फैक्ट है ये पास्ट की बात कर रहा है अगेन रिया द फॉलोइंग वर्ड्स टू फ्रेम अ प्रॉपर सेंटेंस लेट्स डू दैट रेन्स बिफोर इट मस्ट अप द क्लोथ्स फ्रॉम द टेरेस यू ओके The clothes from the terrace must be picked up before rains. You must pick up the clothes from the terrace before it rains. The clothes must pick up from terrace before it rains. <coughs> Apologies due to uh, under the weather mossum. Awesome. Now, the correct answer here is gay. Yeah. You must pick up the clothes from the terrace before. इट रेन्स ये सेंटेंस भी उतना प्रॉब्लमैटिक नहीं था बट यहाँ पे मिसिंग है सो ऑलवेज रिमेंबर कहीं और जल्दबाजी में ये एक वर्ड ने आपका मीनिंग चेंज ना कर दे द स्कूल मैनेजमेंट आज द ग्रुप आप स्पेलिंग बतानी है ऑफ लाउड स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट क्वाइट हश या मम अगेन वेरी इंटरेस्टिंग अभी भी बच्चों काफी स्टूडेंट्स को इन दो वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है क्यू यू आई ई टी एंड लेक्स ओके सो द क्वाइट हेयर मीन्स Q U I T E ये एम्फेसिस करता है जैसे क्वाइट गुड Q U I T E दैट योर फूड वॉज क्वाइट गुड द मूवी वॉज क्वाइट गुड यहाँ पे हम यूज करते हैं ये वाला क्वाइट हो गया आपका जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बच्चों का चुप हो जाओ ठीक है हर्ष माम नहीं यूज करते हैं वी यूजली यूज़ अ वर्ड माम जब हम बोलते हैं कि नॉट टू शेयर मच ऑफ इट ठीक है दैट इज हाउ वी यूज इट एंड एट द बेस्ट सुटेड आर्टिकल्स इन द सेंटेंस बिलो आई बॉट न्यू क्लोथ्स एंड डैश शूज फ्रॉम द स्टोर द एंड कौन सा वाला इसमें से यूज होएगा या yeah, नहीं कोई आर्टिकल यूज हो द करेक्ट इज डी यहाँ पे कोई आर्टिकल ऐड करने की जरूरत नहीं है सो so, कभी भी चुल रखने की जरूरत नहीं है कि नहीं भाई मुझे आर्टिकल ऐड करना है सेंटेंस को ठीक से पढ़ो अगर आपको लग रहा है कि जेन्यून यूज़ हो रहा है डू दैट अदरवाइज इसको क्लिक करो आई बॉट न्यू क्लोथ्स एंड न्यू शूज फ्रॉम द स्टोर खत्म बात यहाँ पे और दो की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कोई ना ब्रांड पे स्पेसिफाई कर रहे हैं ना किसी एक सिंगल प्रोडक्ट पे एट द सुटेबल प्रपोजिशन द फॉलोइंग सेंटेंस द टैक्सी अराइव द मोमेंट दे वॉक डैश द रेस्टोरेंट ओके ऑन टू आउटसाइड आउट ऑफ ओवर वेरी गुड क्वेश्चन अब ये थोड़ा हाई लेवल का प्रपोजिशन अनलाइक योर इन एंड ऑन बट अब बताइए इसमें क्या यूज़ होगा द करेक्ट आंसर हेयर इज आउट ऑफ आउट ऑफ इज डिनोटिंग डायरेक्शन प्रपोजिशन में आपका कुछ डायरेक्शन आता है पोजिशन आता है लोकेशन टाइम ये सब चीज़ें हो जाती है आपका ठीक है आउटसाइड आपका लोकेशन का आ जाता है इसके रिलेटेड बट यहाँ पे ये पॉइंट आउट कर रहा है कि जैसे ही वो बाहर निकले और टैक्सी आई चूज अ करेक्ट मीनिंग ऑफ द ई ऑन द बॉल ओके डूइंग द जॉब डूइंग अ गुड जॉब काम डाउन इट्स टू लेट गो टू स्लीप ओके नाउ ऑन द बॉल का यहाँ पे ई का मीनिंग uh, क्या आ जाएगा दैट मीन्स यू आर अलर्ट एंड अवेयर ऑफ वॉट इज हैपनिंग okay <coughs> and you know of course when you are alert you know what you're doing and you're of course doing a good job so on the ball as a rolling rolling kabhi kabhi use they say ki let's get the ball rolling wo bhi suna hoga aapne wo tab use karte hain ki let's get back to work ek positive वे में वो बात करते हैं कि जैसा काम चल रहा है उसको और किया जाए so doing a good job. Okay guys, this was the lecture for today. यू हैव एनी मोर रिकमेंडेशन वी आर एक्चुअली ओपन टू इट बट अगेन लाइक एस एन हमारा टारगेट ये वी एल डब्ल्यू की एग्जाम तक है टेंथ डिसम्बर तक कि हम आपको ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आए वी विल कम बैक विद करंट अफेयर्स की कुछ क्वेश्चन ऑल्सो जो इस साल के करं अफेयर्स हैं आपके उसकी भी अलग से वीडियो करेंगे बट इंग्लिश ओरिएटेड आपका डिफरेंट रहेगा जी एस ओरेंटेड आप भी आपके लेक्चरल है ओके सो कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड आपके रिश्तेदार सो so दैट वो भी कुछ सीख लेंगे और एग्जाम देंगे ओके बाय बाय